हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्पलाइन आरके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ। भाई आज की वीडियो का कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि भाई आज की वीडियो में मेरे को एक मेरे भाई ने जो है कमेंट किया था और मेरे को व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया था कि भाई यार फेसबुक से जो मैंने पोस्ट जो बहुत पहले अपलोड की थी, बट आज क्या है आप एक चीज देखना, आज आप जैसे हो 2 साल बाद वैसे नहीं रहोगे और 2 साल पहले जैसे थे वो वैसे आज नहीं हो। हुलिया चेंज होता रहता है समय के अनुसार। तो भाई क्या है, उसने मैसेज किया था कि भाई यार मैंने आज से 2-4 साल पहले जो फोटोज अपलोड कर रखी है वो मेरे से डिलीट नहीं हो रही है क्योंकि नया अपडेट आ गया है। तो भाई कोई ऐसी ट्रिक लेके आओ जिसके कारण मैं जो है अपनी पुरानी पोस्ट जो है डिलीट कर सकूं, क्योंकि भाई अभी गिल्टी फील होती है। कई बार क्या है, बड़े बूढ़े पे जो दोस्त वगैरह है वो आपको पता ही है कैसे चिल मारते हैं, तो वो क्या है मेरी पुरानी पुरानी फोटोज को जो है स्टेटस स्टोरी में लगाते हैं, तो भाई मेरे को एम्बेरस फील होता है। तो भाई मैं क्या करूं, उन फोटोज को कैसे डिलीट करूं। तो मैंने बोला भाई आपकी हेल्प के लिए मैं कल ही वीडियो लेके आऊंगा। तो भाई आज मैं उस भाई की हेल्प के लिए वीडियो लेके आ गया हूं और आज की इस वीडियो मैं बताऊंगा कि आप अपने मतलब फेसबुक से अपनी पोस्ट कैसे डिलीट कर सकते हैं, अपनी जो फोटोज आपने गलती से या पहले अपलोड करी हुई है या किसी कारण से उसे डिलीट करना चाहते हैं तो भी कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ऑल पे जरूर से सेट करें ताकि हमारी कोई भी अगली न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मैं आपकी सबसे पहले मदद कर सकूं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे जो है अपनी मतलब फोटोज जो है फेसबुक से डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस आप मेरे साइड में जो स्क्रीन चल रही है उसे देख रहे होंगे और उसमें मैं बता देता हूं गाइस आपने सबसे पहले क्या करना है। भाई आप फेसबुक से डिलीट करना चाहते हो तो भी आपने क्या करना है, फेसबुक एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद भी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और इस इंटरफेस के अंदर भी अभी देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर ही अंदर ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है एक तो फेसबुक और उससे नीचे एक होम वाला आइकन दिया गया, बट उससे नीचे एक अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है छोटा सा वो दिया गया, तो उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद भी आपके सामने आपकी आईडी का जो है बायोडाटा आपका जो बायो है वो ओपन हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो भी इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद भी आपको यहाँ पे एक फोटोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई फोटोज अपलोड नहीं कर रखी है। तो भी यहाँ पे अपलोड्स पे आते हैं तो मैंने 3 फोटोज जो है बहुत पहले अपलोड की थी इस पे, तो भी देख सकते हैं अपने अगर जैसे देख सकते हैं मैं इस फोटो को डिलीट करना चाहता हूँ, ये मैंने बहुत पहले जो है फोटो अपलोड की थी तो मैं इस फोटो को डिलीट करना चाहता हूँ। तो भी आपने क्या करना है, आपने राइट साइड के अंदर 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद भी आपके सामने एक छोटा सा इंटरफेस ओपन होगा और इसके अंदर 3 नंबर पे लिखा हुआ है डिलीट ए फोटो, तो डिलीट फोटो पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद भी ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फोटो, मतलब क्या आप कंफर्म है, आप इसके लिए पक्का श्योर है ना भी अपनी फोटो डिलीट करनी है, तो अगर डिलीट करनी है तो भी डिलीट पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमारी जो फोटो थी फाइनली डिलीट हो चुकी है। मैं गाइस आपको थोड़ा रिफ्रेश करके जो है दोबारा से दिखा देता हूँ कि जो अपनी जो फोटो थी वो डिलीट हुई है या नहीं। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारी जो फोटो थी वो अभी फाइनली डिलीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे 2 ही फोटो आ रही है, 3री फोटो नहीं आ रही है क्योंकि वो ग्लिच है, तो वो 24 घंटे बाद में सही होता है। तो यहाँ पे 2 ही फोटो आ रही है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।